नमस्कार दोस्तों, डिजी टेक्निकल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपने गूगल पे एप्लीकेशन में अपना जीमेल आईडी चेंज कैसे कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, गूगल पे एप्लीकेशन में अपना जीमेल आईडी चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल से गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और गाइस बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करके ऑल पर सेट कर देना, जिससे कि गाइस नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले गाइस आपको अपने मोबाइल में गूगल पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करते ही हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। फिर गाइस हमारे सामने यहाँ पर लॉक पूछेगा तो लॉक हमें फिलअप कर देना है। फिलअप करते ही हमारे सामने गूगल पे एप्लीकेशन है वो यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। फिर गाइस ऊपर की साइड हमें यहाँ पर देखिए इस प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर गाइस अपनी ईमेल आईडी है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है। गाइस तो यहाँ पर सिंपल से आप अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए गाइस आपको यहाँ पर देखिए गाइस यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर गूगल पे से बाहर आ जाता होता है। गूगल पे से आने के बाद आपको यहां पर गूगल पे पर एक लॉन्ग प्रेस कर देना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको यहां पर एक ऐप इन्फो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है तो इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर क्लियर डेटा का ऑप्शन देखने को मिल जाता है तो इस पर क्लिक कर देना है। क्लियर डेटा के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर क्लियर ऑल डेटा कर देना होता है। जैसे कि जब यहां पर ऑल डेटा वाले क्लियर को ऑप्शन पर क्लिक करते हैं फिर गाइस हमें यहां पर ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे कि जब इस पर क्लिक करते हैं तो गाइस जो हमारे गूगल पे एप्लीकेशन का ऑल डेटा जो है वो यहां पर क्लियर हो जाएगा। फिर गाइस हमें यहां से बाहर आ जाना है। बाहर आने के बाद आपको यहां पर गूगल पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होता है। तो सिंपल गाइस मैं अपने मोबाइल में गूगल पे एप्लीकेशन को फिर से ओपन कर लेता हूं। ओपन करते ही हमारा जो गूगल पे एप्लीकेशन है फिर से रीस्टार्ट से ओपन हो जाएगा। तो यहां पर गाइस हमें अपना मोबाइल नंबर पूछेगा तो गाइस आपका जो भी बैंक में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसे यहां पर फिलअप कर देना है। रजिस्टर मोबाइल नंबर को फिलअप करने के बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर अपनी ईमेल आईडी यहां पर पूछेगा। तो यहां पर देखिए गाइस आपको अपनी ईमेल आईडी शो कर रही है तो यहां से गाइस आप अपनी ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हैं तो यहां पर इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर अपनी ईमेल आईडी जो है उसे यहां पर फिलअप कर देना होता है। तो सिंपल से मैं यहां पर अपनी ईमेल आईडी जो है उसे यहां पर चेंज कर लेता हूं। ईमेल आईडी चेंज करने के बाद आपको यहां पर एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही गाइस आप इस पर क्लिक करते हैं तो गाइस जो हमारा गूगल पे एप्लीकेशन है वो यहां पर ओपन हो जाएगा। तो यहां पर गाइस कुछ टाइम के लिए वेट करना है और यहां पर हमारा वेरीफाइड हो जाएगा। वेरीफाइड होने के बाद आपको यहां पर देखिए गाइस एक्टिवेट माय अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहां पर गाइस आपको पहले तो गाइस आपको यहां पर एक्टिवेट माय अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद एलो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर से एलो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और गाइस हमारे सामने हमारा जो अकाउंट है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। गाइस तो यहाँ पर गाइस कुछ टाइम के लिए गाइस आपको यहाँ पर वेट कर लेना होता है। तो यहाँ पर देखिए गाइस आपको ऊपर की साइड आपको अपना अकाउंट नंबर भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए गाइस जो हमारा अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो गया है। गाइस फिर गाइस हमें यहाँ पर सेट यूपीआई नंबर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है तो इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर यूपीआई नंबर जो है उसे यहाँ पर सेट कर देना होता है। तो यहाँ पर गाइस गॉट इट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए गाइस आपको लॉक यहाँ पर सिलेक्ट करने को बोलेगा। तो यहाँ पर गाइस आप स्क्रीन लॉक लगाना चाहते हैं या फिर गाइस यूज फोर डिजिट गूगल पिन तो यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस मैं स्क्रीन लॉक ही लगाना चाहता हूँ। स्क्रीन लॉक वाले ऑप्शन पर टिक करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना फिंगरप्रिंट यहाँ पर फिलअप कर देना है। फिलअप करते गए जो हमारा गूगल पे एप्लीकेशन है वो यहाँ से फिर से ओपन हो जाएगा। फिर गाइस जो हमारा यहाँ पर देखिए गाइस ऊपर की साइड जो हमारा जीमेल आईडी है जो यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा था वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। गाइस तो इस तरह से गाइस आपने गूगल पे एप्लीकेशन में अपना जीमेल आईडी चेंज कर सकते हैं। गाइस तो उम्मीद करता हूं गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए गाइस, ताकि गाइस आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी। थैंक यू गाइस।